बहुत ही अच्छा रिजल्ट कल का हम लोग जानकारी मिला, खुशी प्राप्त हो रहा और भी मजबूती से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो मान लीजिए कि सरकार के फिर से बनाने के लिए लोग उत्साह नहीं है और सरकार गिराने के लिए लोग रेडी है। तो आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और राहुल गांधी भागलपुर के साथ साथ सीमांचल में रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली से पहले बिहार महागठबंधन के सभी बड़े नेता जो है भागलपुर में पहुंचने के लिए पटना से रवाना हो गए। इसी बीच पटना एयरपोर्ट पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है कि भाजपा अब जो है बुरी तरीके से हार रही है, भाजपा का 2024 में सरकार से विदाई तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रचार के लिए हम सब लोग पहुंच रहे हैं और हम सब लोग प्रचार में जाएंगे और लोगों से महागठबंधन के लिए वोट मांगते हुए कहेंगे कि भाजपा को इस बार हटाना है, भगाना है। जरा सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं हवा निकल चुका है और उन लोगों के लोगों में ही कह रहे हैं कि भाई अभी मोदी जी के चक्कर में नहीं रहिए, आप लोग कार्यकर्ता काम कीजिए। तो और जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो मान लीजिए कि सरकार के फिर से बनाने के लिए लोग उत्साह नहीं है और सरकार गिराने के लिए लोग रेडी है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट कल का हम लोग जानकारी मिला, खुशी प्राप्त हो रहा और भी मजबूती से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी हाँ, आज राहुल गांधी जी का भी कार्यक्रम है भागलपुर, हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों का कार्यक्रम और भी उसके मुंगेर में पूर्णिया में भी कार्यक्रम है, कटिहार में भी कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब जी के इधर भी प्रचार हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो पूरे गठबंधन के जितने भी नेतागण हैं सभी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अब भाजपा के जो मकड़ा जाल था वो पूरी तरीके से टूट गया है। जनता अब इस सत्ता को यानी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करके ही दम लेगी। जनता इनको हरा कर ही सांस लेने के लिए आतुर है या कहें कि चैन की सांस लेगी। जैसा कि मुकेश सहनी को आपने सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि एनडीए और भाजपा के पास जनता के सामने वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जनता को रोजगार और नौकरी चाहिए, जबकि भाजपा लोगों को बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जैसा कि आपने मुकेश सहनी को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि इस चुनाव में भाजपा का विदाई तय है, भाजपा का हारना तय है और महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनने जा रही है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं मुकेश सहनी के इस बयान के बारे में? क्या सचमुच में 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी, खत्म हो जाएगी? क्या एनडीए इस बार हार रही है? क्या नई सरकार बनेगी? आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।